अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। हेलो दोस्तों, आज है 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल डे, यानी इसे हिंदी में हम मूर्ख दिवस कहते हैं। दोस्तों आज के दिन हम किसी न किसी को पकड़कर मूर्ख बनाते हैं, उसे बेवकूफ़ बनाते हैं और उसको साथ खूब मजा करते हैं। लेकिन आज के दिन या अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? तो आज मैं कुछ आपको ऐसी कुछ कथाएँ या कुछ जो दंत कथाएँ बताऊँगा जो कि प्रचलित है यूरोप में और इसे लोग अप्रैल फूल के मनाने का एक कारण बताते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश लेखक चौसर की एक किताब द कवेंट्री टेल्स में एक कवेंट्री नाम की जगह है जहां पर कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की राजकुमारी एनी की सगाई की तारीख 32 मार्च सन 1381 को घोषणा की जाती है और वहाँ के लोग 32 मार्च की तारीख को सच मान बैठते हैं और वो लोग तैयारी में जुट जाते हैं। जब उन्हें बाद में अपनी गलती का पता चलता है तो वहाँ पर उनकी खूब हंसाई होती है। तो 32 मार्च तो कोई दिन होता नहीं है, इसलिए 31 मार्च के बाद एक जो अप्रैल का जो दिन बनता है इसको वहाँ पर लोग एक अप्रैल फुल डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, कुछ और हम लोग इसकी कथाएँ देखते हैं कि ऐसा क्या और जगह प्रचलित है। तो कुछ लोग को मानना है कि इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। सन 1564 में यूरोप के सभी देशों में एक जैसा कैलेंडर प्रचलित था जिसमें कि हर नया साल जो कि पहला दिन मानते थे उसे 1 अप्रैल मानते थे। लेकिन 1564 में वहां के राजा चार्ल्स ने एक बेहतर कैलेंडर अपनाने की घोषणा की जिसकी शुरुआत 1 जनवरी को होती थी। लेकिन बहुत से लोगों ने इसको मान लिया, बहुत से लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। वो लोग 1 अप्रैल को ही नया साल उसको माना करते थे और उसको अपने कैलेंडर को चलाते थे। तब वहाँ के लोगों ने जिन्होंने मान लिया था उनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी, उन्होंने 1 अप्रैल को जो लोग नया साल मानते थे उसे बेवकूफ़ बनाने लगे और उसको कुछ ऐसे तोहफे भेजने लगे जो कि उन्हें मूर्ख बनाया जाता था। तो ऐसे में वह दिन वहाँ पर 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फुल डे के नाम से परिचित हो गया। और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। बहुत दिन पहले यूनान में एक मोक्षर नाम का एक मजाकिया राजा था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि एक चींटी ने उसे निगल लिया है और जब सुबह वह सो के उठा तब वह हंसने लगा। तो उसके रानी ने उसे हंसने का कारण पूछा तो उसने बोला कि मैंने देखा कि मुझे एक चींटी ने निगल लिया है। तो रानी भी बहुत हंसने लगी। फिर उसने एक ज्योतिष को बुलाया और उससे अपने सपने का कारण पूछा। तो ज्योतिष ने बताया कि महाराज आप एक काम कीजिए, आज का दिन पूरा हंसते खेलते बिताइए, आज का यही इस सपने का मतलब है। तो उस दिन से वहाँ के लोगों ने 1 अप्रैल को यानी मूर्ख दिवस अप्रैल फुल बनाना शुरू कर दिया। और एक और दंत कथा के अनुसार कि एक परी ने एक किसान को कहा कि यदि तुम पूरे घड़े का पानी पी जाओगे तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। किसान मेहनतकश था, उसने पूरे घड़े का पानी एक सांस में पी लिया। तब परी ने उसे वरदान दिया कि तुम सभी को हंसाओगे और अपनी ज़िंदगी को हंसते खेलते बिताओगे। तो जिस दिन उसने उसको वरदान दिया था उस दिन को भी 1 अप्रैल को था और उसको भी लोगों ने अप्रैल फुल डे के हिसाब से मनाना चालू कर दिया। तो मिला जुला के घुमा फिरा के बात यही आती है कि अप्रैल फुल डे यानी कि हंसी मजाक का दिन, और इसको यूरोप में इसी तरह से मनाना शुरू हो गया। तो हमारे भारत भी पीछे क्यों रहे, हमारे भारत ने भी उसको मनाना चालू कर दिया। तो एक तरह से यह बहुत ही मजाकिया और अच्छा दिन रहता है। तो दोस्तों आज के इसी स्पेशल एपिसोड में स्पेशल विश के साथ कि आप लोग का दिन भी अच्छा और हंसी खुशी के साथ कटे, आज के एपिसोड को मैं यही ख़त्म कर